जी C5-6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 22। इस लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है पहले लेक्चर की जो सीक्वेंस चल रहा था उसी को लेके हम चल रहे हैं आगे। आज जो हमने स्टैंडर्ड कवर करना है वो है ISA 600 रिलेट करता है ग्रुप ऑडिट से। आपको याद होगा ISA 600 की सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था ISA 600 की जितनी भी सीरीज है तीन स्टैंडर्ड है इसमें 600, 610, 620। तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि इन तीनों स्टैंडर्ड में जिक्र है कि ऑडिट करते हुए हमें सम टाइम इंगेजमेंट टीम के अलावा किसी और प्रोफेशनल के वर्क की ज़रूरत पड़ती है। उसके वर्क का हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ किस तरीके से हमने करना है। उसमें हमने ISA 610 पहले स्टडी किया, वो रिलेट कर रहा था यूजिंग दी वर्क ऑफ किसके इंटरनल ऑडिटर से, और 620 रिलेट करता था एक्सपर्ट से। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ISA 600 610 और 620 की निस्बत थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें आपने कंसेप्ट्स को ख़ास तौर पे समझना है। सबसे पहले आउटलाइंस, हर स्टैंडर्ड से पहले मेरी कोशिश होती है कि उस स्टैंडर्ड का ओवरव्यू आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बेसिकली डिस्कशन किस चीज़ की कर रहा है। तो जो ISA 600 है ये दो मेजर इशू डिस्कस करता है, इसमें दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। पहली चीज़, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब वो ऑडिट करेगा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका ऑडिट करेगा? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और दूसरी चीज़ डिस्कस करता है स्टैंडर्ड के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब वो इन्वॉल्व करता है किसी कंपोनेंट ऑडिटर को। किसको? कंपोनेंट ऑडिटर को। ये दो चीज़ें ISA 600 कौन सी दो चीज़ें डिस्कस करता है? पहली, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना है, और दूसरी, कंपोनेंट ऑडिटर से जब काम लेना है तो किस तरीके से काम लेना है, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ डेफिनेशंस कह लें इसको जो अहम है। इस स्टैंडर्ड में बहुत सी डेफिनेशन डिस्कस हुई हैं लेकिन जो ज्यादा अहम डेफिनेशन है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? जी बताइए, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? जी बिल्कुल, एक रफ सी उन्होंने डेफिनेशन बताया, उनका सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लेकिन असल में सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो डिफाइन करते हुए कहता है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल हो। यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको पता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होता है, जिसमें कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शामिल हो, रिजल्ट शामिल हो। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी के साथ साथ डिफरेंट सब्सिडरी के रिजल्ट भी इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो वो हमारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो गई। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर फर्ज कीजिए हमारी कंपनी, हमारा क्लाइंट है, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है लेकिन कोई एसोसिएट है, जिसे क्या वो होता है एसोसिएट, इक्विटी मेथड ऑफ काउंटिंग। इक्विटी मेथड काउंटिंग में क्या करते हैं? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से देखते हैं प्रॉफिट कितना है, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एसोसिएट के केस में इक्विटी मेथड काउंटिंग के लिए क्या हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी दूसरी कंपनी की? उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड हो रही होगी? स्टैंडर्ड कहता है ये भी कंपोनेंट का केस है और ये भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा, हालांकि सब्सिडरी नहीं है। इसका मतलब है सब्सिडरी, कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट से मुराद सब्सिडरी है, कंपोनेंट से मुराद एसोसिएट्स है, कंपोनेंट से मुराद ज्वाइंट वेंचर है, कंपोनेंट से मुराद ब्रांचेज है। यानी कोई भी ऐसा कंपनी एंटिटी हो या कोई एक्टिविटी हो जिसके रिजल्ट क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखें, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी होल्डिंग सब्सिडरी वाला केस ही है,
लेकिन ब्रांच भी एक कंपोनेंट है, एसोसिएटेड कंपनी भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा मसला क्या आता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सबसे बड़ा मसला क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझ लीजिए। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया ना, कि सिर्फ होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स वगैरह, ब्रांचेस भी शामिल है इसमें। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है, आपने अगर कंसोलिडेशन के क्वेश्चन किए हों, ये जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि इसकी बेस पे सारे कंसेप्ट डिस्कस होंगे। तो रफली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक उसके क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट होता था, ये फर्स्ट की जगह कम है, ये इनकम स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी के, इसमें आती थी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स और आगे चलती थी चीज़ें। आगे इनकम स्टेटमेंट आ जाती थी सब्सिडरी की S1 S2, यहाँ पे होती थी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे आता था टोटल जो कंसोलिडेटेड बैलेंस होता था, इसी तरह का फॉर्मेट होता था, ठीक है। ये फॉर्मेट जेहन में रखिएगा, यही फॉर्मेट होता था। अच्छा इसका मतलब है हमने अब इस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का ऑडिट करना है, पिक कर रहे हैं बात, इस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का ऑडिट करने के लिए हमें दो काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं जरा बताइए। स्टेप नंबर वन, हमें इन सारे कंपनीज और कंपोनेंट्स, ये है हमारा क्लाइंट होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और ये इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू, हमें इन सब की फिगर्स का इंडिविजुअली ऑडिट करना है, ये चेक करने के लिए कि ठीक है। फिर ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है, इसका एक अहम स्टेप होता है एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट्स को देखना है कि ये ठीक हो। ये दो काम अगर हम चेक कर लेंगे तो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, हम इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज इट इज कोई सेपरेट ऑडिट नहीं होता, बल्कि ये जिन कंपोनेंट से मिलकर फिगर बन रही है, हम उन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली वेरीफाई करते हैं, फिर इनका जो आपस की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करते हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो जाए। एग्रीड। इसका मतलब यह है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी दो जिम्मेदारियां हैं, एक इंडिविजुअल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना, दूसरा कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है एडजस्टमेंट्स है इनको रिकॉर्ड करना, खत्म खाने, ठीक है। अच्छा मुझे यह बताइए, आगे कंसल्ट बिल्डिंग के लिए पूछ रहा हूं, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, वो इंट्रा कंपनी बैलेंसेस जो होते हैं, ठीक है, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस जो होते हैं, रिसीवेबल पेएबल वो एडजस्ट करते हैं, और अनरियलाइज्ड गेन वगैरह जो होता है उसकी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट ध्यान में रखिएगा। चलिए, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंपोनेंट, ठीक है, आप समझने के लिए हमेशा जब मैं कंपोनेंट बोलूँ ना तो आप सब्सिडरी की एग्जांपल जहन में ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखिएगा कि वो डेफिनेशन में सिर्फ सब्सिडरी नहीं और केसेस भी इंक्लूड करता है। क्या ऐसा हो सकता है कोई एक कंपोनेंट हो लंदन में रजिस्टर्ड हो, यूके में हो, यूएसए में हो, जापान में हो, किसी और मुल्क में, वो अगर कोई कंपोनेंट किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है तो बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं, ठीक है, जैसे करेंसी डिफरेंट हो सकती है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक जो एज ऑडिटर हमारे लिए बड़ा मसला आएगा वो ये कि क्या इसका ऑडिट करने के लिए हम हमारी टीम खुद जाए कि हम वहाँ के किसी लोकल ऑडिटर से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करवा सकते हैं, एक बड़ा इशू। अगर तो हम ये कहते हैं ना कि हमने खुद ही जाके काम करना हमने, तो ये स्टैंडर्ड यहीं पे ख़त्म, दूसरा हिस्सा इररेलीवेंट हो जाएगा, दूसरा पार्ट इररेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं,
हमने वहां के किसी लोकल ऑडिटर की हेल्प ले लेनी है, तो फिर पार्ट बी भी एक्टिवेट हो जाएगा। और पार्ट बी क्या बताता है कि एज ग्रुप ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब हम कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? दो हिस्से। अगर हम किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएं जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, तो इसका मतलब ISA 600 पूरे का पूरा नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर उसकी कोई सब्सिडरी है, कंपोनेंट्स हैं, तो ISA 600 एप्लीकेबल होगा। कौन सा? पार्ट ए। और अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कंपोनेंट ऑडिटर कवर को भी यूज करना है, तो पार्ट बी भी एक्टिवेट हो गया। समझ आ रही है? स्टैंडर्ड के दो बड़े हिस्से क्या है, एक रिलेट करता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एक रिलेट करता है कंपोनेंट ऑडिटर से। क्लियर? हम पहले बड़ा मसला डिस्कस करते हैं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी कंपोनेंट ऑडिटर को मैं नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन कुछ कंसेप्ट आएंगे, डेफिनेशंस वगैरह मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, सारी डिस्कशन हमारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गिर्द होगी। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर? इसमें अहम चीज मैंने आपको क्या बता दी, सिर्फ सब्सिडरी नहीं, अदर केसेस भी आ सकते हैं। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट किसे कहते हैं? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल हो। कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? एंटिटीज आर एक्टिविटीज। ठीक है, एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज वगैरह, जो सब्सिडरी भी हो सकती हैं, जो जॉइंट वेंचर, जो एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। एक्टिविटीज क्या है ये मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आपने इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। एक बैंक है, उसकी 200 ब्रांचेज है, 200 ब्रांचेज का रिजल्ट बैंक हेड ऑफिस के रिजल्ट के साथ कंबाइन करके जो कंबाइन रिजल्ट है वो शेयर होल्डर को प्रेजेंट किया जाता है। क्या ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ISA 600 के मुताबिक? क्या ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? ब्रांचेज एक कंपोनेंट है। ठीक है, अगली एग्जांपल सुना, ये हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी बाज़ुकात कंपोनेंट्स जो है वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, उनको जब आप इकट्ठा प्रेजेंट करें सारे, क्योंकि उनमें से हर एक अपना अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होते हैं, सेल अलहदा, सर्विस अलहदा। ठीक है, या जिसे हमने इससे पहले नाम दिया था सेगमेंट रिपोर्टिंग का। जरा सोचिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग की प्रेजेंटेशन भी ब्रांच की तरह की नहीं होती, तो ISA 600 के मुताबिक वो भी एक कंपोनेंट है। जो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करें वो भी एक कंपोनेंट है, तो वो भी हमारा कंपोनेंट की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर? कंपोनेंट की डेफिनेशन समझा दी, ग्रुप की समझा दी, लेकिन कंसेप्ट समझते हुए आपने कंपोनेंट से हमेशा क्या मुराद ध्यान में लेनी है? सब्सिडरी। कंपोनेंट ऑडिटर कौन है? कंपोनेंट ऑडिटर कौन है बताइए, कौन होगा? अगर हम किसी कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए किसी और ऑडिटर को इंगेज करते हैं, तो उस दूसरे ऑडिटर को क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑडिटर। ठीक, कंपोनेंट ऑडिटर के दो केसेस याद रखिए। स्टैंडर्ड क्लियरली कहीं पे ये डिफरेंशिएशन नहीं करता, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स है, तो आपने जहन में रखना है दोनों एग्जाम्पल्स को। एक कंपोनेंट ऑडिटर की एग्जाम्पल ये है कि हम ग्रुप ऑडिटर हैं, हमने कहा जी बलोचिस्तान की क्वेटा की एक ब्रांच है बैंक की, उधर वहां के लोकल ऑडिट फॉर्म जो है वो, उसे हमने कहा है वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगी। ये भी कंपोनेंट ऑडिटर की एग्जांपल है, जिसमें कंपोनेंट ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया? ग्रुप ऑडिटर ने। दूसरा केस क्या हो सकता है? आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे फर्ज कीजिए यूके में सब्सिडरी है, हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे होंगे, होल्डिंग कंपनी को तो हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी को भी वेरीफाई करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूके के रूल्स के मुताबिक उस सब्सिडरी का लोकल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड हो? क्या पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा सोच के मुझे बताइएगा, अगर लोकल उसका ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है,
क्या मुझे दोबारा से अपना कंपोनेंट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए या जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है उसी के वर्क को मैं यूज कर सकता हूं? बताइए, क्या लाजमी है कि मुझे दोबारा अपना ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑडिट है उसे एज एविडेंस मैं यूज कर सकता हूं? एविडेंस यूज कर सकता हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ये कंसेप्ट वो एक्सपर्ट वाले से मिलता जुलता नहीं है कि अगर मैनेजमेंट ने अपने एक्सपर्ट से रिवैल्यूएशन करवाई है, क्या लाजमी है हम एज ऑडिटर अपना ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करें कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क भी एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, यहां पे भी सिमिलर कंसेप्ट, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट का ऑडिट हुआ है तो याद रखिए लाजमी नहीं कि हम अपना कंपोनेंट ऑडिटर अपॉइंट करें, हम उसी के वर्क को यूज कर सकते हैं, फिर हम वही हमारा कंपोनेंट ऑडिटर बन जाएगा। लेकिन याद रखिए उसको एज इट इज हमने यूज नहीं करना। हमने जिस तरह एक्सपर्ट में देखा था उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी इंडिपेंडेंस वगैरह, यहां पे भी हम उस कंपोनेंट ऑडिटर की जिसने हमारे अपॉइंट हुए बगैर पहले से ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं उसके वर्क को यूज करना है, तो उसके उसको भी वैल्यूएट करना। और यहां पे सेम कंसेप्ट होगा कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करते हैं, चाहे हमने अपॉइंट किया हो चाहे रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, ऑलरेडी उसने ऑडिट किया हुआ है, दोनों सूरतों में हमने उस कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क को वैल्यूएट करना है, उसकी कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को भी वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को भी वैल्यूएट करना है, और रिपोर्ट में क्या हम ये लिख सकते हैं कि बाकी के सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट तो हमने किया है, इस सब्सिडरी का ऑडिट इस दूसरे बंदे ने किया, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। याद है एक्सपर्ट में भी ये रिक्वायरमेंट थी कि उसके वर्क को यूज तो कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट में उसको वर्क को रेफर नहीं कर सकते अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और नेसेसरी टू एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन हो। ये कंसेप्ट समझ आया? चलिए कंपोनेंट ऑडिटर। और फिर ग्रुप वाइड कंट्रोल, ग्रुप वाइड कंट्रोल से क्या मुराद है? ये छोटा सा कंसेप्ट है। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होंगे जो कि होल्डिंग कंपनी ने अप्लाई किए होंगे अपनी कंपनी के अंदर, कुछ सब्सिडरी कंपनी ने, कुछ यहां पे उन कंट्रोल्स की बात नहीं हो रही। ग्रुप वाइड कंट्रोल्स वो हैं जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो यहां पे ग्रुप वाइड कंट्रोल से मुराद कौन से कंट्रोल्स हैं जो किसी इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा रहे, बल्कि कौन से कंट्रोल्स हैं जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो ये चार टर्म्स बार बार यूज होंगी स्टैंडर्ड में, क्लियर हो गया? क्विकली रिवीजन करते हैं। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। कंपोनेंट किसको कहते हैं? एंटिटी भी हो सकती है कोई, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंबाइन करते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? सब्सिडरी। कंपोनेंट ऑडिटर कौन है? जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हम इंगेज करते हैं। वो ज्यादातर तो हम ही इंगेज करेंगे, लेकिन सम टाइम अगर वो कंपोनेंट कोई अलहदा से कंपनी है, उसका अपना ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो हो सकता है उस कंपोनेंट को ऑलरेडी किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया हो, तो हम उसके वर्क को भी एज एविडेंस यूज कर सकते हैं विद सम कंडीशंस, ठीक। और अगर कंपोनेंट ऑडिटर को हम यूज करते हैं तो जिस तरह एक्सपर्ट का केस था कि हमने उसको वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को वैल्यूएट करना है और रिपोर्ट में उसका रेफरेंस नहीं देना नॉर्मल हालात में, उसी तरह कंपोनेंट ऑडिटर में भी किसी भी कंपोनेंट को वर्क को यूज करेंगे हम, हमने उसको वैल्यूएट करना है, उसकी कॉम्पिटेंस को इंडिपेंडेंस को, उसके वर्क को जज करना है हमने ठीक है कि नहीं, और रिपोर्ट में कंपोनेंट ऑडिटर को रेफर नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये क्लियर हो गए? चलिए जी जी, सेगमेंट्स को भी आप कंपोनेंट बिल्कुल कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर। आपको याद है किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम, ठीक है, वो पढ़ा था ना ISA 210 में कि क्या हमारे पास
सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, क्या हम इंडिपेंडेंट है इस क्लाइंट से, इसका ऑडिट कर सकते हैं? अगर तो कर सकते हैं फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो ग्रुप ऑडिट है, इसको भी एक्सेप्ट करते हुए हमें इवैल्यूएट करना है कि क्या इस ग्रुप का हम ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए कहता है कोई भी ग्रुप क्लाइंट हो आपके पास आए, आपने उसे एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किसकी? ग्रुप की। अच्छा, किस लिए अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? ताकि आप इस नतीजे पे पहुंच सकें कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। किस पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। क्या कंसोलिडेशन प्रोसेस, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स है, इनको आप वेरीफाई करने के काबिल हैं? अब क्योंकि आप देखें मेन काम यही करते हैं हम, जैसे अभी मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया, जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट करते हैं दो ही काम होते हैं हमारे बड़े, सारे कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना और दूसरा कंसोलिडेशन प्रोसेस को वेरीफाई करना, यानी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स को वेरीफाई करना। तो कहते हैं आप स्टार्ट में ये डिसाइड करें आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये काम कर सकते हैं तो एक्सेप्ट करें, वरना इसको एक्सेप्ट आपने नहीं करना। भाई क्यों, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रुप, भाई हो सकता है कि कोई कंपोनेंट यूएसए फ्रांस में हो, ठीक है, और वहां की गवर्नमेंट कहे खबरदार यहां से एक कागज भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। बहुत से लॉज रेगुलेशंस होती हैं, हो सकता है उस कंट्री में इस तरह की रेगुलेशंस हो, तो वहां पे फिर अगर वो एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन तक हमारी एक्सेस नहीं है, ठीक है, हम वहां जा नहीं सकते और वहां से इंफॉर्मेशन को मंगवा नहीं सकते, लॉ ने मना किया हुआ है, तो उस सूरत में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर सके। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह की और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो अगर एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमने क्या करना है? सिंपल, ये कंसर्ट सिंपल है, ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करें, और अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया तो विड्रॉ कर लें, ठीक है। और अगर ये काम नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? पढ़ा था ना 705 में शायद पढ़ा था क्या, विड्रॉल नॉट पॉसिबल हो तो क्या करना है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना, वही बात आ गई ना। तो क्या सीखा यहां तक? पहली स्टेज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर में क्या देखना है, क्या हम इस काबिल हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। अगर इस काबिल हैं तो फिर क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, वरना क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक। अच्छा, अब यहां पे अहम चीज है अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप। इससे मेरे जहन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है, ग्रुप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेनी है हमें और कैसे लेनी है इंफॉर्मेशन। ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है ना, आपके ख्याल में ग्रुप अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद होगी? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसका? शाबाश। और ग्रुप, ग्रुप के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रुप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी के ऊपर फोकस ना कीजिए, सिंगल क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग। और यहां पर जो डिस्कशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप होगी, ग्रुप की अंडर कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल के ग्रुप वाइड कंट्रोल, ग्रुप वाइड कंट्रोल, शाबाश। और अहम चीज कंपोनेंट्स, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कितनी होल्डिंग, कितनी सब्सिडरीज, कितनी एसोसिएटेड कंपनीज है, पाकिस्तान में कितनी है, पाकिस्तान से बाहर कितनी है, ठीक है, जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी ऑडिटर को, कितनों के ऑडिटर हम हैं, कितनों के ऑडिटर हम नहीं कोई और ऑडिटर ऑडिट फॉर्म है, ये है अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। एक अंडरस्टैंडिंग है आईएसए 315 जो यही बताता है जो आप बता रहे हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल्स वगैरह, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग बता रहा है ना, ये अंडरस्टैंडिंग ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप के पर्सपेक्टिव पे बता रहा है, ठीक है, कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अच्छा चलिए, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ले, और याद रखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप में सबसे अहम चीज पता है क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं?
इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, कौन सा कंपोनेंट नॉट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, यह है सबसे अहम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप में अंडरस्टैंड करते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें कहां से मिलेगी, अगर तो न्यू इंगेजमेंट है यानी इनिशियल ऑडिट है तो आपको यह इंफॉर्मेशन मिलेगी ग्रुप मैनेजमेंट से, या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करेंगे आप किस लोगों से, ग्रुप मैनेजमेंट के साथ, प्रीवियस ग्रुप एंगेजमेंट टीम के साथ, जिसे प्रीडिसेसर ऑडिटर आप कह सकते हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको ग्रुप के बारे में, कंपोनेंट ऑडिटर से भी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, और कंपोनेंट मैनेजमेंट से भी। कंपोनेंट मैनेजमेंट समझ रहे हैं किसको कह रहा हूं मैं, कंपोनेंट मैनेजमेंट से क्या मुराद है, सब्सिडरी के मैनेजमेंट, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अंदाजा, जैसे कंपोनेंट ऑडिटर को मैं फोन करके कहूंगा भाईजान आपके मुल्क में कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रोहिबिट करता हो, अगर है तो हमें बता दें, और अगर प्रोहिबिशन है तो किस किस्म की प्रोहिबिशन है, क्या इस किस्म की प्रोहिबिशन है कि आपने हमारे साथ कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना, या ये मना है कि आपके जो वर्किंग पेपर्स है वो आपने शेयर नहीं करने, जबानी कलामी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या अलहदा से इंफॉर्मेशन बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लेंगे हमें बता देगा। क्या ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो तीन चार लोग मैंने आपको बताए हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कर सकते हैं, चलिए। और अगर कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट है, कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट से क्या मुराद है, रिकरिंग ऑडिट, पिछले साल भी हमने ऑडिट किया इस साल भी हम, तो इंफॉर्मेशन हमें बताइए अपडेट करनी चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन मेरा, कि हम कहीं पिछले साल इंफॉर्मेशन ले ली काफी है, अपडेट करनी चाहिए, हाँ अपडेट में क्या देखेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के किसी का चेंज तो नहीं है, मैनेजमेंट में दो चार्जिंग गवर्नेंस में चेंज तो नहीं है, ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं है, जैसे होल्डिंग या सब्सिडरी में किसी का चेंज तो नहीं है। अब मुझे केस स्टडी याद आ गई, आई कैप ने केस स्टडी में पूछा कि एक सब्सिडरी साल में चार महीने तक रही है, उसके बाद पांचवें महीने में डिस्पोज कर दिए, इसलिए उस सब्सिडरी का कोई भी रिजल्ट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया, वैल्यूएट कीजिए ठीक ही है कि नहीं, हाँ चार महीने तो रही, तो क्या करना चाहिए, हाँ उसका इनकम स्टेटमेंट में उस चार महीने के रिजल्ट तो आने चाहिए ना, बैलेंस शीट में ना डालो, इनकम स्टेटमेंट में तो रिजल्ट आने चाहिए ना, तो ये डिसीजन गलत था। तो हमें देखना है ड्यूरिंग द ईयर ग्रुप स्ट्रक्चर में किसी किस्म का चेंज तो नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज में कोई चेंज तो नहीं आया, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स वगैरह ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, यहां तक पहले मुझे बताइए क्यों रिवीजन करते हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमने डिसीजन करना है ग्रुप क्लाइंट को एक्सेप्ट करें कि ना करें, यह डिसीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप ऑब्टेन करनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप से क्या मुराद है, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और सब उससे भी अहम चीज कौन से कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कौन से नॉन सिग्निफिकेंट, और हम ये देखते हैं कि चाहे सिग्निफिकेंट हो चाहे नॉन सिग्निफिकेंट, हम ऑल कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं कर सकते तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं। अब आगे वो हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि वो क्या केस हो सकता है जब आप किसी कंपोनेंट को वेरीफाई ना कर सकें, इसकी एग्जाम्पल दे रहा कि वो क्या केस हो सकते हैं जब व्हेन वी आर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, कहता है ये तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, समटाइम बाय सर्कमस्टेंसेस आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, जैसे किसी कंट्री दूसरी कंट्री में कंपोनेंट है और उस कंट्री के लॉज के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर नहीं हो सकते, डाटा प्राइवेसी का कोई लॉ है, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ है, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो सकती, ये स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय कंपोनेंट ऑडिटर, आपको पता है ना जो ऑडिटर है वर्किंग पेपर का ऑनर कौन होता है, ऑडिटर, ठीक है, क्या हम उसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स उसकी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हो सकता है कोई फॉरेन सब्सिडरी थी लेकिन वो हमें डॉक्यूमेंट शेयर करने को तैयार नहीं है,
कह रहे नहीं मेरा काम है, मैंने नहीं आपको देना, आपने अगर ऑडिट करना है या कंपोनेंट ऑडिटर को खुद अपॉइंट करें अपने, तो हो सकता है कि कंपोनेंट ऑडिटर हमें, अच्छा ये वो वाला कंपोनेंट ऑडिटर नहीं होगा जो हमने अपॉइंट किया हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, क्यों वो तो हमारे इशारों में चलेगा, ये कौन से वाला होगा जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू ऑडिट था कंपोनेंट उसका ऑडिटर था। और बाय ग्रुप मैनेजमेंट, हो सकता है ग्रुप मैनेजमेंट हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। इसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू है ना, वैसे तो सारे इशू क्रिटिकल है, सब में ही स्कोप लिमिटेशन है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू है वो कौन सा वाला, ग्रुप मैनेजमेंट वाला। इसीलिए कहता है, वैसे जनरल बात कर रहा है कि इनमें से कोई भी केस हो तो अगर तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, अगर कंपोनेंट क्या है सिग्निफिकेंट। अच्छा यहां पे नोट्स में मैंने शायद लिखा है, यहां पे नहीं लिखा सिग्निफिकेंट, आपने भी नहीं पूछा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और नॉट, ये मैं बता दूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा स्टैंडर्ड में। पहली चीज, सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट है, इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं करना या इमटीरियल कंपोनेंट नहीं करना, या तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है। अब सुने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, ये कंपोनेंट्स है ना, ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, आप एज अ ऑडिटर, सिंपल एग्जांपल, इनकम स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, किन किन एरियाज के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होता है, नहीं नाम ना बताएं, क्राइटेरिया बताएं, किस क्राइटेरिया को सामने रख के आप डिसाइड करते हैं यार मैंने इन इन एरिया में ज्यादा काम करना, हाई वैल्यू सबसे पर, शाबाश। इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, और सिर्फ वैल्यू को देखते हैं क्या, रिस्क को भी देखते हैं, शाबाश। तो दूसरा सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन से हैं जो इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस है जिनकी, या जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। मुझे बताइए, अगर आपने कभी बैंक का ऑडिट किया हो ना, तो उसमें कुछ ब्रांचेस पे हमारे पार्टनर जो है ना वो हमें टीम भेजता है, जाओ भाई ये चार बंदों की टीम 10 दिन के अंदर ये 20 ब्रांचेस को ऑडिट करके आओ, कुछ पे टीम नहीं भेजी जाती, ऐसे ही है ना, किन पे टीम भेजी जाती है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स पे, और किन पे टीम नहीं भेजी जाती, नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ये कैसे पता चलता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन से हैं, दो क्राइटेरिया लगाते हैं वो, एक इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट, भाई वो कौन सी 10 ब्रांचेज है जिनमें डिपॉजिट ज्यादा है, जिनमें रेवेन्यू ज्यादा है, फाइनेंशियल सिग्निफिक, कोई भी आप बेंचमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट को सेलेक्ट कर लें तो बड़े बड़े डिपॉजिट्स जिन क्लाइंट जिन ब्रांचेस में है वो सिग्निफिकेंट है, इंटरेस्ट रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लें या कोई भी बेंचमार्क सेलेक्ट कर लें, या दूसरी ब्रांचेस कौन सी सेलेक्ट होंगी जिनमें रिस्क ज्यादा है, जैसे हो सकता है कुछ ब्रांचेज ऐसी हों जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रही हों, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही हों, उनमें तो समटाइम थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती है ना, तो नेचर ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है उनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट से क्या मुराद है, जैसे दो बेसिस के ऊपर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट होता है, कौन सी दो बेसिस, फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंट रिस्क वाली, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क की क्या एग्जाम्पल है, जैसे कोई फॉरेन करेंसी में डील कर रहा हो, फॉरेन एक्सचेंज में, और फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस की क्या एग्जाम्पल है कि आप कोई 1% रख लें, जैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, आप मेरे से पूछे सर ये ब्रांचेज हैं 200 ब्रांचेज हैं सिग्निफिकेंट ब्रांचेज कैसे डिसाइड करें, मैं कहूँगा यार ऐसे करो कि बेंचमार्क बना लो, किसको इंटरेस्ट रेवेन्यू को बनाएं, इंटरेस्ट इनकम को, कि डिपॉजिट्स को, किसको बनाएं, डिपॉजिट्स को, मैं कहूँ जी डिपॉजिट्स को, फॉर एग्जाम्पल जो जो ब्रांचेज 10 टोटल डिपॉजिट के 10% से ज़्यादा है ना जिनका रेवेन्यू, सॉरी जिनका डिपॉजिट्स टोटल डिपॉजिट के 10% से या 5% से ज्यादा है, वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी।
ये मैंने एक बेंचमार्क और एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करके क्राइटेरिया बना लिया। जितनी भी ब्रांचेज का टोटल डिपॉजिट इस 5% से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। और जिनके कम होंगे वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो बताइए फिर, हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं सिग्निफिकेंट पे परफॉर्म करने हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट पे? दोनों पे। शाह ये कह रहे थे सिग्निफिकेंट पे, नहीं नहीं दोनों पे करने हैं। हाँ नेचर ऑफ प्रोसीजर डिफरेंट हो गए, लेकिन याद रखिए ऑल कंपोनेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने वेरीफाई। क्लियर हो गया? तो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट में फर्क क्लियर। आगे चले, अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट, यहां पे एक कंसेप्ट क्या पढ़ रहे थे कि जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं, किसी कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है, हमें कंपोनेंट ऑडिटर ने कहा भाईजान कुछ भी नहीं देना, कंपोनेंट मैनेजमेंट ने कहा हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है आप ऑडिटर हैं तो होल्डिंग क्या है? ठीक है होल्डिंग क्या ऑडिटर ब्रे, लेकिन लोकल लॉ हमें मना करते हैं या किसी और वजह से? भाई कह सकते हैं ना, क्योंकि वो एक अलहदा एंटिटी है। और आपको पता है अगर पाकिस्तान में हो तो फिर भी हम कह कहलवा के इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर है कंपोनेंट फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर कंपोनेंट ने कह दिया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भागो, स्टैंडर्ड कहता है जरा गौर से सुनिएगा, मुझे बताइएगा लॉजिकल बात कर रहा है कि इलॉजिकल है। कहते हैं अगर तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है ना, ये है सीधी स्कोप लिमिटेशन, लेकिन अगर कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट है ना, नॉन सिग्निफिकेंट, तो आपके पास तीन चीजें आ गई ना, तो समझा जाएगा आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। तीन चीजें कौन सी? पहली चीज उस कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरी चीज उस कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट जो ये बता रही हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, और तीसरी चीज ग्रुप मैनेजमेंट के पास उस कंपोनेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है। कंपोनेंट ने मना किया लेकिन ग्रुप मैनेजमेंट हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, तो फिर इसका मतलब है आप ये स्कोप लिमिटेशन नहीं रहेगी। अच्छा ये कंसेप्ट आपको शायद समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एक और कंसेप्ट समझा दूं, उसके बाद ये ज्यादा बेहतर तरीके से कंसेप्ट आएगा। सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट में फर्क बता दिया। स्टैंडर्ड कहता है अब देखें टाइप ऑफ वर्क जो हमने परफॉर्म करना होता है वो मैंने बाद में बताना था, लेकिन अभी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। टाइप ऑफ वर्क क्या कहता है? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो उस पर वर्क करो ज्यादा, पुरानी कंसेप्ट बता रहा सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे वर्क करो ज्यादा और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे काम करो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर। बैंक वाली एग्जांपल पे वापस आ जाए, 200 ब्रांचेस हैं, 25 सिग्निफिकेंट है, 175 नॉन सिग्निफिकेंट है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन छोटी छोटी फिगर्स आ रही हैं उस पर, क्या उन नॉन सिग्निफिकेंट पे हम अपनी टीम भेजेंगे? तो क्या करते हैं हम भला? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि इसका पिछले साल का रेवेन्यू कितना था, इंटरेस्ट कितना था, इनका इस साल कितना है, एक्सपेंस पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट के साथ रिकंसिलिएशन बन रही है, कोरिलेशन बन रहा है एक्सपेंसेस के साथ बंद। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई ना हो तो काम वहीं पे खत्म, और अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से अब नॉर्मल फ्लक्चुएशंस आ जाएं तो फिर मजीद काम करना होता है, वरना मजीद काम नहीं करना। अब वापस आएं, मुझे बताएं नॉन सिग्निफिकेंट पे हमने क्या काम करना था? सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, डिटेल काम तो नॉर्मली नहीं करते, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट में डिटेल काम करते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट में तो नहीं करते। तो मुझे बताइए अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपके पास रिपोर्ट है जो कह रही है कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, और आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके जो सवाल जवाब करने हैं, ग्रुप मैनेजमेंट आपको वो सवाल जवाब बता रही है, तो बताइए आपको मजीद कोई एविडेंस चाहिए नॉन सिग्निफिकेंट पे? तो ये फिर हमारा अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिलने गया। तो अब मुझे बताइए अगर कोई कंपोनेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिफ्यूज कर दे तो क्या वो सीधा सीधा हमेशा स्कोप लिमिटेशन होगी? डिपेंड करता है वो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट है तीन चीजें मिल गई, बेड़ा पार हमारा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट,
इंफॉर्मेशन। ओके जी, ये था हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर वाला स्टेप। जी हाँ, सिग्निफिकेंट के केस में भी अगर ये चीजें हो जाए हमारे पास, सिग्निफिकेंट के केस में काम करना होता है ज्यादा। ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आगे कंसेप्ट आना है। आप सवाल पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं, ज्यादा का मतलब होता है कि पूरे का पूरा ऑडिट करो। मुझे बताइए, आप अपने हेड ऑफिस में बैठ के एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, पूरे का पूरा ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वाउचर चाहिए होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, कॉन्ट्रैक्ट देखने होंगे, ये सारी चीजें आपके ख्याल में ग्रुप फाइनेंशियल ग्रुप मैनेजमेंट के पास होंगी? नहीं होंगी। इसलिए सिग्निफिकेंट के केस में ये तीनों चीजें मौजूद भी होना, लेकिन चूंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं तो सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं बनेगा। करे तो मुझे ये बताइए आगे चलने से पहले जल्दी से, कोई भी ग्रुप क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ग्रुप की। यानी उस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से क्या मुराद है? देखना ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से कंपोनेंट है, कितने सिग्निफिकेंट है, कितने नॉन सिग्निफिकेंट है, कितने किस किस जगह पे है, कौन सा इस मुल्क के अंदर है, कौन सा मुल्क से बाहर है, किसके ऑडिटर हम हैं, किसके ऑडिटर कोई और फर्म है, वगैरह वगैरह। ये सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप का मकसद क्या होता है? ये देखना कि हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। एक और भी मकसद होता है, 100 रुपीज इनाम, जो मुझे ये बताएगा क्या, देखिए कंसेप्ट क्या यहां पे है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप ऑब्टेन करनी हमने किस लिए? ताकि डिसाइड कर सकें हम इस काबिल हैं कि नहीं कि पूरी दुनिया में जो कंपनी खिल्ली पड़ी है इसका एविडेंस ले सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस काबिल हों तो हमने उसको एक्सेप्ट करना है, वरना नो कर देना। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप का एक मकसद तो है एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप ऑब्टेन करने का एक मकसद और है, नहीं कंटिन्यू करें कि नहीं, वो तो इधर आ गया, शाबाश, रिस्क असेसमेंट करना। भाई ये जो अंडरस्टैंडिंग हम ऑब्टेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ये बाद में रिस्क असेसमेंट के भी काम आएगी कि नहीं आएगी, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने में भी काम आएगी। रिस्क असेसमेंट के बाद अगला काम होता है प्रोसीजर परफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करना है ये डिपेंड करता है कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, और कौन सा कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट ये कैसे पता चलता है हमें? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप ना सिर्फ ये हमें एक्सेप्टेंस के डिसीजन में काम देती है, बल्कि ये रिस्क असेसमेंट में भी काम देती है, और ये फर्दर प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म करने हर कंपोनेंट पे वो डिसीजन करने में भी काम देती है। ठीक है जी, अगर हमें इस अंडरस्टैंडिंग से पता चले हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, क्या करें? एक्सेप्ट नहीं करना हमने। अच्छा, वो कौन से केसेस हो सकते हैं जिनमें हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड हो हमारी, हम कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते? वो बाय सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, बाय कंपोनेंट ऑडिटर रिफ्यूज कर सकता है डॉक्यूमेंट शेयर करने से, या ग्रुप मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो अगर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हमारी रिस्ट्रिक्टेड है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के केस में, तो सीधी सीधी स्कोप लिमिटेशन, वो हमारा जनरल रूल आ जाएगा हमने। ठीक है, अगर बाय मैनेजमेंट है तो विड्रॉ करेंगे इफ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल, विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है डिस्क्लेमर ऑफ। हाँ, अगर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमारे पास एक अल्टरनेट प्रोसीजर भी है, एक दूसरा रास्ता भी है, क्या? कि हम तीन चीजें अवेलेबल कर लें सिर्फ नॉन सिग्निफिकेंट के केस में, सिग्निफिकेंट वाले केस में नहीं, तो हमें एविडेंस मिल जाएगा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप मैनेजमेंट। शाबाश, ये क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जी जी, किस एक्सटेंट तक हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? देखें, आप नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अगर, तो और एनालिटिकल प्रोसीजर में हमें अव्वल तो वेरिएशन नजर नहीं आती, अगर वेरिएशन नजर ना आए तो हमने कुछ भी नहीं करना। आपको याद है 520 में पढ़ा हुआ है, और अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन नजर आ भी जाए हमने क्लाइंट से इंक्वायर करना है। अगर क्लाइंट हमें कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस दे दे फिर भी काम खत्म, लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस ना आए फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। तो अगर यहां पे हमें या तो
एनालिटिकल प्रोसेस है, कोई अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन नजर नहीं आई, या आई तो ग्रुप मैनेजमेंट ने हमें तसल्लीबख्श जवाब दे दिया, तो फिर काम यहीं पे खत्म। लेकिन अगर स्टिल एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क इंक्रीज हुआ, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, तो फिर इसका मतलब है उस केस में फिर यहां पे भी फर्दर काम करना है ना हमने, तो फिर यहां पे भी स्कोप लिमिटेशन अराइज हो जाएगी। लेकिन वो रेयर केस है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं, लेकिन बहरहाल कंसेप्ट जहन में रखिए, हो सकता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ग्रुप ऑडिट की प्लानिंग करनी चाहिए हमें, प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। प्रोबेबली होल्डिंग कंपनी का तो हम ऑडिट कर बैठे होंगे ना, इसकी तो हमें टेंशन नहीं होगी, इसकी तो टेंशन होगी इनकी, किसने करना है, किस टीम को भेजना है वगैरह वगैरह, सारे डिसीजन करना है, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में जो दो बड़े काम किए जाते हैं, एक एंगेजमेंट लेटर साइन करना और दूसरा ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान। अच्छा मुझे ये बताइए, होल्डिंग कंपनी के साथ हमने एंगेजमेंट लेटर जब एग्री किया होगा, वो किसके लिए किया होगा? इसका ऑडिट करने के लिए। अब अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऐड करनी है, इसके लिए अलहदा एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए कि यही चलेगा? ये नहीं चलेगा, हमेशा अलहदा एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। हाँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अलहदा होनी चाहिए, हाँ दोनों को इकट्ठा एग्री कर सकते हैं। ये वही कंसेप्ट है, रिव्यू एंगेजमेंट में भी आएगा। एक ही क्लाइंट का आपने ऑडिट भी करना है स्टैट्यूट, उसी क्लाइंट का आपने 6 महीने का रिव्यू भी करना है। जरा गैस कीजिए, ऑडिट की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अलहदा और रिव्यू की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अलहदा एग्री होती हैं कि एक ही दफा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही एंगेजमेंट लेटर में दोनों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बात समझ आ रही है आपको? पहले ऑडिट की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, फिर उसी के, क्योंकि पता जो है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है 6 महीने बाद रिव्यू करना है, हमने ही करना है, तो वो रिव्यू की भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो याद रखिए, इसमें भी होल्डिंग का ऑडिट करना है, उसकी टर्म्स अलग ऑडिट एग्री होंगी। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, इसकी टर्म्स अलग एग्री होंगी, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है। किसने करनी है, किसने करनी है? ग्रुप ऑडिटर। अच्छा यहां पे ना ग्रुप ऑडिटर सर में पुरानी टर्म है, 600 दो टर्म यूज करता है, ग्रुप एंगेजमेंट टीम और ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर, ग्रुप एंगेजमेंट टीम और ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग करते हुए ना मैं ग्रुप ऑडिटर का लफ्ज बोलूंगा, दो अल्फाज है जल्दी बोला जाता। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर एग्री करेगा, टीम नहीं एग्री करती होती कभी, पार्टनर करेगा। ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान ये डिसाइड होंगे ग्रुप एंगेजमेंट में, होंगे, कौन करेगा? ग्रुप एंगेजमेंट टीम। लेकिन पार्टनर के लिए लाजमी है क्या? रिव्यू करना उसका, क्या ठीक है कि नहीं। ठीक, आगे चलें। अच्छा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बहुत सी चीजें एग्री होंगी, हम स्पेसिफिकली ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप बताइए ग्रुप ऑडिट के केस में एंगेजमेंट लेटर में स्पेसिफिकली ग्रुप से स्पेसिफिकली कौन कौन सी? वैसे तो आईएसए 210 हमें जनरल बताता है ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, और वो जनरल बताता है 210। नहीं नहीं वो नहीं, स्पेसिफिकली ग्रुप क्लाइंट से रिलेटेड बताइए क्या टर्म्स एग्री करेंगे, क्या टर्म्स एग्री करेंगे? हम कहेंगे भाईजान वादा करो, क्या आपकी जिम्मेदारी होगी कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हमें? ठीक है, ना सिर्फ कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन बल्कि कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ भी हमारी इंफॉर्मेशन आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारा इंटरेक्शन करवाना उनके साथ और कंपोनेंट ऑडिटर के साथ भी। अब अगेन ये उस केस में है जब ऑलरेडी ऑडिट हुआ होगा, अगर हमने कंपोनेंट ऑर्डर पॉइंट किया तो हम कहेंगे भैया नहीं। अच्छा उस सूरत में भी हम ये लाइन लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे कि हम कंपोनेंट ऑर्डर को यूज कर रहे हैं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? आपको याद है ये 210 में एंगेजमेंट लेटर में एक आइटम थी वेन रेलिवेंट वाली कैटेगरी थी, उसमें था कि अगर आपने कंपोनेंट ऑर्डर को यूज करना है, एक्सपर्ट को यूज करना है, इंटरनल ऑर्डर के वर्क को यूज करना है, तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लें ताकि बाद में इतराज। तो यहां पर वही बात है कि हम चूंकि कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अगर कंपोनेंट ऑडिटर को यूज नहीं भी करना,
सारा काम हमने खुद करना है, स्टिल हमें उस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें उसकी मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन, इंक्वायरी, कम्युनिकेशन करनी होगी, तो उसकी एक्सेस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? ग्रुप मैनेजमेंट की। तो ये बेसिकली हम उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं कि कंपोनेंट के बारे से आपकी ये जिम्मेदारी है। और फिर परमिशन दीजिए आप हमें कि कंपोनेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, या तो खुद या हम कंट्रैक्टर को इंगेज कर सकते हैं। यानी दो पॉइंट है बेसिकली बड़े। एक में हम उन्हें कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और दूसरे में हम ये कह रहे हैं हमें परमिशन दीजिए कि उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई हमने करना है या हम अपने बिहाफ पे कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करेंगे। इसके बगैर तो ऑडिट ना हो सकता। ये वैसा ही है जैसे आपको याद होगा प्रीमाइज में था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करे और हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। अगर मैनेजमेंट कोई चीज प्रोवाइड नहीं करती तो फिर ऑडिट तो नहीं हो सकता था ना। यहां पर भी सिमिलर तकरीबन मिलता जो डिफरेंट है कंसेप्ट थोड़ा सा, लेकिन बैकएंड पे वही चीज है कि हम कह रहे हैं कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, इंफॉर्मेशन दो मैनेजमेंट वगैरह से या अरेंज करवाओ और हम अपने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट प्लानिंग के बाद। अब लेटर साइन हो गया, एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, अब क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो ग्रुप की। हमने कहा ठहर जाओ, ये तो अंडरस्टैंडिंग हमने पहले ऑब्टेन कर ली थी। कब ऑब्टेन की थी? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में। और इसमें क्या क्या अंडरस्टैंड किया था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप से क्या मुराद है? कि उसका स्ट्रक्चर देखा, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट देखे, कहां कहां पे है, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह वो देखा। तो यहां पे दोबारा क्या कहता है? बिल्कुल दोबारा। यहां पे अब हम उसको इनहेंस कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। क्यों? क्योंकि पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का सिर्फ एक मकसद था, एक्सेप्टेंस का डिसीजन करना है कि नहीं। अब क्या मकसद है? अब रिस्क असेसमेंट। हमने रिस्क असेसमेंट भी करने है भाई, देखना पड़ेगा ना। पहले तो आपने सरसरी तौर पे देख लिया होगा कौन से कंपोनेंट बड़े हैं कौन से छोटे। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस को समझ के देखना पड़ेगा किस किस ब्रांच में किस किस कंपोनेंट में कौन कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है, क्योंकि रिस्क बेस के ऊपर भी कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहां पे हम इनहेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट जो है, एक तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस डिसीजन के लिए होती है जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा अब हम इस अंडरस्टैंडिंग को यूज कर रहे हैं किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट से क्या होगा? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। अब हमने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट किस बेसिस पे बनता है? इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस की बेस पे, सिग्निफिकेंट रिस्क की बेस पे। हालांकि ये काम हम एक्सेप्टेंस के वक्त कर चुके हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस के वक्त हमने सरसरी किया होगा। अब यहां पे हम ज्यादा डिटेल में, क्योंकि अब हमने डिसाइड करना है एक्चुअली, पहले तो एक मोटा मोटा फैसला करना था इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करे कि ना करे। अब ये फैसला करना है कि किस कंपोनेंट में रिस्क कम है, किस में ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है। अब हम ज्यादा डिटेल में जाके ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल ऑडिट में हम मैनेजमेंट की कंपिटेंस और इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करते हैं। कब? एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी, कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की कंपिटेंस इंटेग्रिटी रीअसेस भी होती है ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है। तो उसी तरह हम यहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि क्यों कर रहे हैं, करना क्या है इसमें? आपने वैल्यूएट करना है ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स वगैरह वैल्यूएट करना है, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स कैसे हैं, और वैल्यूएट करना है कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है। यही भाई हमारा काम ही असल में यही है ना। मेन काम हमारा क्या है? ये और ये। चूंकि कंट्रोल्स इनकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को इंश्योर करते हैं, इसलिए कंट्रोल्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो जब हम कहते हैं हमने अंडरस्टैंडिंग
ऑफ ग्रुप ऑब्टेन करनी है, इससे क्या मुराद है? हमने ग्रुप के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, कौन से कंपोनेंट सिग्निफिकेंट, कौन से नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, किसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, किसमें नहीं है। हमने कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि आप कंसोलिडेशन में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और ग्रुप वाइड कंट्रोल, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आगे चलने से पहले एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कंसोलिडेशन प्रोसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपने मुझे अभी बताया, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस और कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनमें किस में रिस्क ज़्यादा होता है? कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट, इसकी रीज़न स्टैंडर्ड एक जगह पे देता है कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये जो कंपनी का नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ना, उसके थ्रू रिकॉर्ड नहीं होती, ये रेंड पे खास तौर पे रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शन होती है जो सिर्फ ये रेंड पे रिकॉर्ड होती हैं, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा है। और ग्रुप वाइड कंट्रोल मैंने आपको बताया, कौन से कंट्रोल्स, जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, आपने जो अगर किसी क्लाइंट का आपने सिस्टम जो है बुक कीपिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का सिस्टम जो अंडरस्टैंड किया हुआ, तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो सैलरीज डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश ऐसे नहीं एंट्री करते, वो अकाउंट कोड डेबिट और अकाउंट कोड क्रेडिट कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकली, अकाउंट कोड डेबिट। अच्छा, सोच के मुझे बताइए, एक कंपनी का अकाउंट कोड, उसने सैलरीज एक्सपेंस को एक अकाउंट कोड दिया हुआ है 3538, दूसरी कंपनी ने भी सैलरीज एक्सपेंस को यही कोड दिया होगा कि नहीं? नॉर्मली नहीं दिया होता, लेकिन अगर कोई ग्रुप है और उन्होंने एक ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पैकेज हर कंपोनेंट पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर सबके एंट्री ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन सेम होगी। ये ग्रुप वाइड कंट्रोल की एक एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को पता है कि एंड में जाके हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस वक्त मसला आएगा, उस वक्त अगर एक कंपनी का एक अकाउंट और दूसरी का वही अकाउंट हमने ऐड किया, एक का वो इनकम का हुआ, दूसरे ने एक्सपेंस को एलोकेट किया हुआ, वो तो मसला हो जाएगा। तो ये ग्रुप वाइड कंट्रोल की एक एग्जाम्पल है कि नॉर्मली एक सिमेट्री के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, वो एक पैकेज जो है वो सब में इंस्टॉल करते हैं। बराबर, ये क्लियर हो गया, मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप, चलिए ये भी कर लिया, फिर आगे चलते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, अच्छा यहां पे थोड़ा अटेंटिव होकर सुनिएगा, क्योंकि हमने ISA 320 मटीरियलिटी वाला अभी कवर नहीं किया, इसलिए मैं कुछ कंसेप्ट आपका 320 का भी साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। हमारे सामने जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन आती है ना, या मिस स्टेटमेंट कह लें, उनके डिफरेंट लेवल होते हैं, कोई छोटी, बहुत छोटी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई बहुत बड़ी। स्टैंडर्ड इसको क्या नाम देता है, जो सबसे बड़ी कोई मिस स्टेटमेंट होती है ना, उसको कहते हैं परवेसिव, जो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे। कहां पड़ी डेफिनेशन परवेसिव की, कहां पड़ी थी? 705 में, 705 परवेसिव। परवेसिव से नीचे कौन सा लेवल आता है? मटेरियल, शाबाश, जो सब्सटेंशियल पोर्शन को तो नहीं, लेकिन एक दो एरिया को अफेक्ट कर रही है, एक एरिया को अफेक्ट कर रही है, और वो एरिया यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। मटेरियल से निचला लेवल क्या होता है? इमटेरियल, शाबाश। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन सी होती है? जो मटेरियल नहीं। अच्छा, क्या उसको इग्नोर कर देते हैं हम? क्या हाँ, संभाल के रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकती है। अब सुने, एक जो आपने इससे पहले लेवल नहीं सुना, एक इस इमटेरियल से भी नीचे का लेवल होता है, क्लियरली ट्रिवियल, क्लियरली ट्रिवियल, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, वो हमें स्टैंडर्ड नहीं सिखाता, वो फर्म टू फर्म प्रैक्टिस डिफरेंट है, ठीक है। वो होती है क्लियरली ट्रिवियल, इमटेरियल से भी नीचे। क्लियरली ट्रिवियल का क्या कंसेप्ट है? ये वो अमाउंट है जिससे नीचे की मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट भी हो जाए, वो इमटेरियल ही रहेगी। क्लियरली ट्रिवियल में और इमटेरियल में ये फर्क है, क्लियरली ट्रिवियल इंडिविजुअल भी इमटेरियल, एग्रीगेट भी इमटेरियल,
और जो इमटीरियल है सिर्फ इंडिविजुअली इमटीरियल एग्रीगेट मटीरियल। तो ये चार लेवल क्लियर हो गए। हम किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, ये चार तरह की मटीरियलिटी, ये चार लेवल सामने रखते हैं, परवेसिव मटीरियल, उसके बाद इमटीरियल, क्लियरली ट्रिवियल। अच्छा, ये जो मटीरियल होता है ना, मटीरियल इसके फर्दर समझे तीन पर्सपेक्टिव हैं या तीन टाइप्स कह लें। एक है ओवरऑल मटीरियलिटी या मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। क्या मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल, प्रॉफिट है 100 मिलियन, इसका 5% क्या होगा, 5 मिलियन। ये 5 मिलियन क्या है, ओवरऑल मटीरियलिटी, मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल मैच। ये वो मटीरियलिटी है जिसको सामने रख के ओपिनियन दिया जाता है। एक मटीरियलिटी और भी है, क्वालिटेटिव। इसे हमने खुद नाम दिया हुआ है स्टैंडर्ड, इसका लंबा चौड़ा सा नाम देता है, मतलब वो कंसेप्ट देता है, नाम नहीं देता इसका, कि बाज़ वक़्त किसी इंडिविजुअल एरिया में कम अमाउंट की मिसस्टेटमेंट्स भी यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर लेती है। तो वो जो अगर लेसर अमाउंट आपने डिसाइड की है किसी इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की या अकाउंट बैलेंस की या डिस्क्लोजर की, तो वो भी मटीरियल होगी। उसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव मटीरियल। कैफ लेवल पे कंसर्ट पड़ा ना, कि बाज़ वक़्त समाल जैसे रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, या हमने एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, वो जो लोन एग्रीमेंट की वायलेशन हो रही थी, 20 मिलियन वाला क्वेश्चन था ना, डेट कोविनेंट की वायलेशन हो रही थी, तो हमने कहा था ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है, ठीक है। एक तीसरी टाइप होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। ये मटेरियलिटी के अंदर तीन टाइप बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको बताया ना परवेसिव और इमटीरियल और क्लियरली ट्रिवियल है, ये मटीरियलिटी है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कौन सी होती है, ओवरऑल मटीरियलिटी 5 मिलियन है ना पार्टनर, ये मटीरियलिटी लेवल आप लोगों को नहीं बताता, पता चल जाती है, लेकिन हमें बताता है इंडिविजुअल एरिया पे प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए इस ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल को तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है हर एरिया के लिए, लादादा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल होता है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो उस एरिया करने के लिए यूज़ किया जाए। क्लियर, ये कंसेप्ट जेन में रखेगा, ऐसे 320 में फिर मैं क्विकली आपको ये करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने कंसेप्ट बिल्ड कर दिया, ये समझ लीजिए आधा आई एस 320 मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी इसको भूल जाए, मुझे ये बताइए क्वालिटेटिव को भी चले साइड पे कर ले, ओवरऑल मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में फर्क समझ आ गया, फर्क समझ आया तो मुझे बताइए। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी किसी ऑडिट पे एक होंगी या एक से ज्यादा, ओवरऑल मटेरियलिटी। अच्छा, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आई कैप ने पूछा और सीफैप में, और स्टूडेंट नहीं जज कर सके, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ओवरऑल मटेरियलिटी कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम, ओवरऑल क्या होगी, ज्यादा होगी, शाबाश, और परफॉर्मेंस कम होगी, कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें, कहता है मटेरियलिटी डिटरमिन होगी ग्रुप ऑडिट में, होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ने उधर इरेज कर दिया, अब क्या करें, किधर दीजिए, होल्डिंग सब्सिडरी वन सब्सिडरी टू टोटल, ठीक है। हमने
इसका भी ऑडिट किया, इसका ऑडिट फर्ज कीजिए किसी और ने किया, इसका किसी और ने किया, हमने इसका किया और इसके साथ हमने टोटल का भी करना है, क्योंकि नॉर्मली जो होल्डिंग का ऑडिट करता है वही ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी करता है। ठीक, ये तो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अच्छा अगर मुझे बताइए ये वाला कंपोनेंट ऑडिटर कहे, सर जी मैंने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, इसको सारा एविडेंस मेरे पास मौजूद है, अगर कोई ऊंची नीच हुई ना तो मैं आपका साथ खड़ा हूं, बेफिक्र रहें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी ना मंगवाएं, मेरी इस अनमोडिफाइड ओपिनियन की बेस पे आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें ग्रुप का, क्या हम दे सकते हैं? नहीं, हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है। सिमिलर कंसेप्ट हमने 510 में पढ़ा था, हालांकि ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के ऑडिटर ने वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन स्टिल हमारी जिम्मेदारी है, हमने उसके ऊपर एविडेंस लेना है, तो चाहे ये कंपोनेंट अलहदा अलहदा से ऑडिट हुए लेकिन हमने एविडेंस लेना है। ठीक है, ये हो गए ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका कोई टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल एसेट्स वगैरह होंगे, हमने ओपिनियन देना है कि ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करनी है कि नहीं, करती है कि नहीं, ये ओपिनियन देना है। बताइए क्या ग्रुप का मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्की बात, एग्रीड होगा। दूसरी चीज, इन कंपोनेंट्स का मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, मटेरियलिटी कौन कौन सा लेवल कह रहा है, ग्रुप एंगेजमेंट टीम डिटरमिन करेगी, कौन क्या डिटरमिन करेगी, मटेरियलिटी फॉर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, एज होल मटेरियलिटी लेवल, एग्रीड, जिसको सामने रख के ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है। फिर क्वालिटेटिव मटेरियलिटी फॉर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके लिए क्वालिटेटिव मटेरियलिटी भी सेट करें, ओवरऑल भी सेट करें, क्वालिटेटिव भी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ग्रुप का सेट नहीं होगा, बता सकते कोई स्टूडेंट क्यों नहीं सेट होगा? इसलिए कि बेसिकली इस फिगर्स को हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने ही नहीं, जरा सोचिए, हमने तो ये फिगर जिन फिगर्स से मिली है उन पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो बेसिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ग्रुप का नहीं होगा, कंपोनेंट्स का होगा। तो इसलिए ग्रुप के केस में दो मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन किए, एज होल, दूसरा क्वालिटेटिव, परफॉर्मेंस नहीं किया, और एक क्लियरली ट्रिवियल, ये भी बता दिया। अच्छा, क्लियरली ट्रिवियल हमने क्यों डिसाइड किया? क्लियरली ट्रिवियल डिसाइड करते हैं ना, बताया था ना अभी, डिसाइड करेंगे ना, क्यों? ये जो कंपोनेंट ऑडिटर होता है ना, इसको नहीं पता होता हम किस लेवल पे आके सो, ये एक अहम अहम कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, कंपोनेंट ऑडिटर को नहीं पता हम किस लेवल पे सोच रहे हैं, हो सकता है उसके लिए जो मसले बड़े बड़े हैं हमारे लिए छोटे हो, हमारे लिए, इसीलिए हम क्लियरली ट्रिवियल लेवल सेट करके कंपोनेंट ऑडिटर को बता देते हैं, क्यों कि इससे छोटी मिसस्टेटमेंट है ना तो आपने हमें बतानी भी नहीं है, आपके लिए तो वो हो सकता है इमटीरियल हो, या मे बी आपके लिए मटीरियल हो लेकिन हमारे लिए वो क्लियरली ट्रिवियल होंगी, इसलिए बताते हैं ताकि ज़्यादा जो मसले मसाइल हमें ना भेज दें। फिर इसके बाद कंपोनेंट मटीरियलिटी, कंपोनेंट मटीरियलिटी ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये इंगेजमेंट टीम, ग्रुप इंगेजमेंट टीम डिसाइड कर रही है, ऊपर लिखा हुआ है, काम चाहे ग्रुप इंगेजमेंट टीम करे चाहे कंपोनेंट ऑडिटर करे, कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कौन डिसाइड कर रहा है? ग्रुप इंगेजमेंट। अच्छा बताइए, क्या हर कंपोनेंट पे एक जैसा काम होता है? नहीं होता, कुछ कंपोनेंट्स का ऑडिट करते हैं हम, कुछ कंपोनेंट पे ज्यादा काम करते हैं, कुछ पे कम काम करते हैं, ज्यादा काम से मुराद ऑडिट या रिव्यू करेंगे, कुछ पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं,
बताइए क्या ये कंपोनेंट मटेरियलिटी हमने हर कंपोनेंट की सेट करनी है? नहीं, सिर्फ उन कंपोनेंट्स की जिन पे ज्यादा काम करना, जिनका ऑडिट या रिव्यू करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर का सिर्फ परफॉर्म करने किसी कंपोनेंट पे, तो मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करने की जरूरत है? एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आ जाए तो वो रिस्क होगा, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मटेरियलिटी लेवल उसके लिए भी जरूरी नहीं है। जी, रिलेटिव फ्लक्चुएशन से, रिलेटिव से, मटेरियलिटी लेवल से नहीं। पिछले साल की सेल, इस साल की सेल्स के रिलेटिव आप जब एनालिटिकल परफॉर्म करते होते हैं तो एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन को मटेरियलिटी से कभी कंपेयर नहीं करते, तो रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं उसको। अहम चीज क्या बता रहा हूं, ये मटेरियलिटी है कंपोनेंट की, लेकिन इसे कैलकुलेट कौन कर रहा है? ग्रुप एंगेजमेंट। और दूसरा, ये कंपोनेंट मटेरियलिटी हर केस में कैलकुलेट नहीं होगी, सिर्फ जिन कंपोनेंट्स का हमने ऑडिट रिव्यू करना है उसके लिए होगी। अच्छा बताइए, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल। काम करना है उसने, और वो कौन कैलकुलेट करता है भला? जी, ग्रुप ना, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो कैलकुलेट करेगा जिसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कंपोनेंट ऑडिटर। वो हम नहीं करते। अगर हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया है तो वो हम नहीं करें कंपोनेंट ऑडिटर। हाँ, हमने ये देख लेना है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देख लेना, और वो भी उस सूरत में जब हम ऑडिट कर रहे होंगे। रिव्यू के केस में ये भी नहीं करना। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, हमने डिसाइड किया इसका ऑडिट होगा, इस कंपोनेंट का मटेरियलिटी लेवल कौन कैलकुलेट करेगा? ग्रुप एंगेजमेंट। और इसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कौन कैलकुलेट करेगा? कंपोनेंट ऑडिटर। हमने क्या करना है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, क्या चेक करना? अप्रोप्रिएटनेस है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनाम। स्टैंडर्ड एक जगह पे कहता है कि कंपोनेंट ऑडिट, अच्छा एक जगह पे कहता है अगर आपका कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है ना, और आपने उसका पूरे का ऑडिट करवाना है, तो आपने उसका मटेरियलिटी लेवल किसने डिटरमिन करना है? ग्रुप एंगेजमेंट। एक जगह पे लिखता है, बाज़ बात ऐसा होता है कुछ कंपोनेंट होते हैं सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसका तो ऑडिट ऑलरेडी हो चुका होगा, ऑडिट ऑलरेडी हो चुका होगा ना, आप ऐसे ऑडिट का मटेरियलिटी लेवल कौन कैलकुलेट करेगा? तो कौन करेगा? कंपोनेंट। हाँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है, ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी फिर? क्योंकि ऑडिट, अगर तो ऑडिट होना होता ना, तो हम उसे कहते ठहर जाओ भाई, हम मटेरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये करो यूज। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है, ग्रुप एंगेजमेंट टीम रीपरफॉर्म करेगी, क्या रीचेक करे, किसी हद तक करीब करीब पहुंच गया, शाबाश। इसका आंसर स्टैंडर्ड ये देता है, कहता है अगर ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है ना, तो उस सूरत में ग्रुप एंगेजमेंट टीम इस मटेरियलिटी लेवल की एप्रोप्रिएटनेस चेक करेगी कि हमारे ग्रुप पर्पज के लिहाज से जो मटेरियलिटी लेवल होना चाहिए, और ये मटेरियलिटी लेवल तकरीबन एक जितना नहीं है। और आगे स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर फर्क हो, अगर तो कोई फर्क नहीं है फिर तो कहानी अच्छी, मतलब ठीक है, हमारा हवाई तीर लग गया वही, अगर फर्क हो और मजीद काम करने की जरूरत हो तो क्या करें, क्या करें? या तो हम कंपोनेंट ऑडिटर से रिक्वेस्ट करें कि मजीद काम करें, या हम खुद मजीद काम करेंगे, ठीक है? यानी ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, उस सूरत में भी हमने ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है,
और वो कैसे पूरी होगी, हम अपना मटेरियल उसके मटेरियलिटी लेवल की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे। अगर उसे ऊंच नीच करने की ज़रूरत है तो उसे कहेंगे भाई इसको ऊंच नीच करके रिवाइज प्रोसीजर परफॉर्म करो, अगर कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो फिर हमने वो खुद काम करना होगा। एग्रीड? यहाँ पे दो सवाल, एक क्वेश्चन उसने पास्ट पेपर में पूछा है, कौन सा पूछा है ये मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट्स हैं, क्या सारे कंपोनेंट्स की एक ही कंपोनेंट मटेरियलिटी होगी या हर एक ही अलग अलग कैलकुलेट करना जरूरी लाजमी है? अलग अलग, शाबाश, अलग अलग। दूसरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाली मटेरियलिटी ज्यादा हो इस वाली मटेरियलिटी से? कंपोनेंट मटेरियलिटी ज्यादा हो ग्रुप मटेरियलिटी से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। भाई कैसे पॉसिबल है? कोई सब्सिडरी होल्डिंग से बड़ी, सिंपल पूछ रहा हूं, कोई सब्सिडरी होल्डिंग से बड़ी हो सकती है? अच्छा आप कह सकते हैं हो सकती है, मे बी, ठीक है, कोई सब्सिडरी शायद होल्डिंग से तो बड़ी हो, लेकिन कोई सब्सिडरी इससे तो बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इस फिगर में तो वो खुद भी शामिल है, वो खुद भी शामिल है, ऐसे तो ना करें यार। तो ये कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये पास पेपर में उसने केस स्टडी में उसने दिया था, उसने कहा था चेक करो, हमने कहा नहीं हो सकती है, मैंने कमेंट्स में कहा नहीं हो सकती, हालांकि स्टैंडर्ड में भी कहा था नहीं हो सकती। चलिए ये मटेरियलिटी क्लियर हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वर्क ऑन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पर, अच्छा कंपोनेंट्स की मैंने आपको दो टाइप्स बताई कि तीन बताई, एक सिग्निफिकेंट एक नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन सिग्निफिकेंट के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, शाबाश, एक सिग्निफिकेंट ऑन फाइनेंशियल बेसिस, दूसरा सिग्निफिकेंट ऑन, अच्छा मुझे बताइए जो सिग्निफिकेंट ऑन फाइनेंशियल बेसिस होगी उसमें सिर्फ उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा कि उसके एक्सपेंसिस भी ज्यादा होंगे? मोस्ट प्रोबेबली क्या सिर्फ रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट की फिगर ज्यादा होंगी कि प्रोबेबली बैलेंस शीट की भी फिगर ज्यादा होंगी? इसका मतलब है रफली स्पीकिंग जनरल रूल ये है कि जो इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट होगी ना वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट होगी। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताइए अगर एक कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है रिस्क बेसिस पे, उसमें सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट होंगी हमारे लिए या सिर्फ वो एरिया जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है? वो एरिया जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। एग्जाम्पल का मजीद एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। हमारा एक क्लाइंट था, एक बैंक था, उसमें पता चला एक ब्रांच मैनेजर गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी जो अथॉरिटी थी ना वो थी, कोई फर्ज कीजिए थोड़ी सी फिगर चेंज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 10 मिलियन से ऊपर के लोन की अप्रूवल देना। उसके बारे में स्कैंडल ये निकला कि उसने 10 मिलियन से ऊपर जो लोन दिया है ना, तो बहुत से लोन ऐसे हैं जो पार्टी से अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी रख के लोन दे दिए और कुछ कमीशन वगैरह लेता रहा। अब मुझे बताइए ये जो कंपोनेंट है, ये जो ब्रांच है जिसमें ये मैनेजर था, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं फाइनेंशियल बेसिस पे के रिस्क बेसिस पे? अच्छा रिस्क का इफेक्ट मुझे बताया इनकम और एक्सपेंसेस हर जगह पे है कि सिर्फ जो लैंडिंग की हुई है उसमें है? लैंडिंग, अच्छा लैंडिंग में भी मुझे बताइए उस अजर्शन होती है ना, हर अजर्शन में रिस्क है कंप्लीटनेस पे भी कि एक अजर्शन वैल्यूएशन के ऊपर कि अगर अंडर वैल्यू है सिक्योरिटी तो जाहिर है उसकी प्रिवियन उसकी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कंपोनेंट फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है तो पूरे के पूरे कंपोनेंट को चेक करने की जरूरत है, अगर रिस्क बेसिस पे सिग्निफिकेंट है तो जहां जहां रिस्क है वो डिपेंड करता है, रिस्क हो सकता है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है सिर्फ एक आधे एरिया में हो सकता है एरिया के अंदर भी एक आधी अजम्पशन में हो। इसे एग्री करते हैं?
अब सुनिए, वो कह रहा है टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करना है, क्या करना है, डिपेंड करता है कंपोनेंट पे। अब गौर से सुनिएगा ये कंसेप्ट, कह रहा है अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल बेसिस पे, क्या करो, ऑडिट करो कंपोनेंट का। ऑडिट ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है, उस कंपोनेंट के पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस सारे चीज ऑडिट करो, वेरीफाई करो। समझ आती है रिक्वायरमेंट? अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है रिस्क बेसिस पे तो कहता है परफॉर्म करो इनमें से जो मर्जी और जो आपको सूटेबल लगे, चाहे तो सारे के सारे कंपोनेंट का ऑडिट कर लो, चाहे तो इंडिविजुअल एरियाज का ऑडिट कर लो, चाहे तो इंडिविजुअल एरिया के अंदर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। यानी देखो जिस जगह पे रिस्क है, जहां जहां रिस्क है वहां वहां प्रोसीजर परफॉर्म करो। अगर रिस्क पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट रिस्क, पूरे कंपोनेंट का ऑडिट कर लो। अगर इंडिविजुअल एक दो एरियाज में है, एक दो एरिया का ऑडिट कर, बाकी को छोड़ दो। और अगर किसी एरिया के भी स्पेसिफिक अजर्शन पे है तो उसके स्पेसिफिक प्रश्न, भाई ये कॉमन सेंस केस ऐसे ही होना चाहिए ना, कि जहां रिस्क जहां जहां रिस्क इफेक्ट आ रहा है वैल्यूएट करो, उधर ऑडिट करो। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। नॉट सिग्निफिकेंट, जो कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट उनका क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर में नॉर्मल फ्लक्चुएशन आए तो फिर आगे सोचेंगे कुछ, नहीं है तो फिर कुछ नहीं, यहीं पे कहानी खत्म। यहाँ क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, स्टैंडर्ड हमें एक चीज रिक्वायर नहीं करता और हम वो करते हैं, एडिशनल वर्क कर लेते हैं। अक्सर वो कैफ लेवल पे स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं किया, लेकिन अगर कर ले तो हम वहां पे जवाब देते हैं कैफ लेवल पे कर ले तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा काम है, जितना मर्जी कर लो। लेकिन अब सीफैब लेवल पे आपसे पूछ रहा हूं, एक चीज स्टैंडर्ड ने कहा रिक्वायर्ड नहीं है और आप वो कर लेते हैं, सही किया क्या गलत? क्यों गलत किया? हाँ, एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगी। शाबाश शाबाश। ठीक है, एक क्वेश्चन था उस थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ रहा हूं, उसने कहा तीन कंपोनेंट, एक का रेवेन्यू 100 मिलियन, दूसरे का 150 मिलियन, तीसरे का 7 मिलियन। उसने कहा बताइए तीसरे वाले पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं, तीसरे वाले पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिट किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, किसी एरिया का ऑडिट, तो क्या करना है तीसरे पे? हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं, कौन सा है, नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। कैसे पता चला नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, क्या फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस है? स्टैंडर्ड ने तो हमें 15% 15% की मिसाल दी है ना, कोई भी बेंचमार्क रख लो, हम उसको 5% भी कर लें गिरा के तो टोटल रेवेन्यू के 5% से फिर भी कम है इस केस में। ठीक है, तो डिसाइड कर लें। अब मुझे बताइए इतनी डिस्कशन के बाद क्या आप इस काबिल हैं आपके सामने एक ग्रुप का स्ट्रक्चर आ जाए तो डिसाइड कर सके इसमें कौन सा फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है, डिसाइड कर। और नीचे उसने कहानी भी लिखी होगी, उस कहानी को पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिस्क की बेस पे सिग्निफिकेंट है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे चले। कहता है अच्छा रीजन नहीं बताता, रीजन मैं आपको बताऊंगा। कहता है सम टाइम ऐसा होगा ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से आप, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं वो कौन सी सिचुएशन है सौरभ नाम जिनमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से भी आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट मिलके सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाए, नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इतने ज्यादा है कि एग्रीगेट होकर सिग्निफिकेंट बन जाए। और किस पॉइंट
स्कोप लिमिटेशन नहीं, स्कोप लिमिटेशन का केस नहीं है। और फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री में है तो हम उसका ऑडिट करवा के एविडेंस ले सकते हैं उससे, अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने पे, एविडेंस ले सकते हैं। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं, कुछ हद तक। ये कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने, नहीं नहीं ये भाई थे आगे वाले थे, ये दीजिए। किसी हद तक इनका जवाब ठीक है, क्लोज है। मुझे ये बताइए, आपने कभी जिंदगी में ऐसा ऑडिट किया जिसमें सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म किए हों, कोई टेस्ट ऑफ डिटेल किया ही ना हो? ये किया नहीं, किया कभी, करेंगे भी नहीं, कभी करेंगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करना रिक्वायर्ड होते हैं। मुझे खुद बताइए, अगर एक्सट्रीम रेयर केस है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट है, रूल के मुताबिक आपने क्या करना? या 3 सिग्निफिकेंट हैं, 500 नॉन सिग्निफिकेंट है, फर्ज कीजिए 3 ब्रांचेस, 3 पे आपने टका के काम कर लिया, बाकी 500 पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? नहीं। तो एक्सट्रीम केसेस में अगर हमारे सारे कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो, या इक्का दुक्का सिग्निफिकेंट है, बाकी के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हमारा 99% एविडेंस सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से रिप्रोड्यूस हो रहा होगा, या 100%, जो कि सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें नहीं देगा। अच्छा, इस केस में क्या करना है भला, गेस कीजिए। इस केस में नॉन सिग्निफिकेंट जो है सैंपल बेस पे उनको सेलेक्ट कर लें और यही प्रोसीजर उन पे परफॉर्म कर लें, यानी सैंपल बेस पे 500 में से कोई 50 या 40 कंपोनेंट सेलेक्ट कर लें, किसी का ऑडिट कर लें, किसी का रिव्यू कर लें, किसी के इंडिविजुअल एरिया का ऑडिट कर लें, किसी का एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाएगा। ये एग्जांपल समझ आई? ये एक पैराग्राफ है, शायद पैराग्राफ 29 है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें ये एग्जांपल वो शेयर कर रहा है, आप जाके देख लीजिएगा उसको। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने जो कंपोनेंट की सिलेक्शन की, अगले साल जब आएंगे, फर्ज कीजिए फिर यही सिचुएशन है, अब क्या करें? यही स्ट्रेटजी कि इन्हीं कंपोनेंट में से सैंपल बेस पे कुछ को सिलेक्ट, लेकिन अब आपकी सिलेक्शन चेंज होगी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है? तो अब आपने अपनी सिलेक्शन डिफरेंट, और सिलेक्शन करते हुए किन चीजों का ध्यान रखें कि अच्छा है तो सारे नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन इनमें से कंपैरेटिवली किसकी अमाउंट ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट इस साल नया आया है एड हुआ, ठीक है, उनमें थोड़ा रिस्क है, किसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन एनालिटिकल प्रोसीजर में, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने किसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किया है, किसमें नहीं किए, ये 4-5 क्राइटेरिया सामने रख के हमने, यानी नॉन सिग्निफिकेंट में से कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट को ढूंढना है, ठीक है? इन सारे फैक्टर्स का मकसद क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट में से कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट को ढूंढना। भाई ये बात समझ आई आपको? टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन कंपोनेंट समझ लग गए? और ये वाली बात, इफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, या सारे के सारे अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो दूसरे लफ्जों में, तो क्या करना है वो समझ आ गई? चलिए, टाइप ऑफ वर्क आ गई समझ हमें, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अच्छा, वो फिर मिटा दिया वो, चले आपके जहन में आ गया होगा, वो होल्डिंग कंपनी, आगे 2-3 सब्सिडरीज, और फिर एंड में टोटल। मुझे बताइए, हमने इसका एक हिस्सा कर लिया, क्या कंपोनेंट्स को कैसे वेरीफाई करना? जब मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट समझाया ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, तो बेसिकली आपको क्या बताया है कि वो जो कंपोनेंट सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, उन कंपोनेंट्स को कैसे वेरी, तो अब आपने वेरीफाई कर लिया इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे, अब किस चीज को वेरीफाई करना?
कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, दो तीन एडजस्टमेंट्स आपने बता दिए थे। हाँ जी बिल्कुल, कह रहे क्या करें, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। अच्छा कौन सी इंस्ट्रक्शंस को, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, जो किसने किसको दी है, ग्रुप ऑडिटर ने नहीं, ग्रुप मेयर डिपार्टमेंट ने, ग्रुप मैनेजमेंट ने कंपोनेंट मैनेजमेंट को कि भाईजान अपने आपस का लेना देना सीधा करके ना एक दूसरे के साथ जो रिसीवेबल पेबल है टैली करके तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे भिजवाना। कहा होगा कि नहीं कहा होगा, नहीं नहीं ये रिकंसिलिएशन ऑडिटर नहीं बताता, एक सब्सिडी का रिसीवेबल दूसरी सब्सिडी के साथ जो पेबल होता है इसको रिकनसाइल मैनेजमेंट ने करना होता है और वो अपनी इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि आपस की जो सेल परचेज है उसको अलहदा अकाउंट में रिकॉर्ड करना, दूसरों के साथ सेल परचेज है उसे अलहदा करना, ठीक है, जो एक दूसरे को फिक्स ऐसे ट्रांसफर करे उसका अलहदा रिकॉर्ड, ये सारी इंस्ट्रक्शंस ग्रुप मैनेजमेंट दे रही होती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन सी वाली है जो ग्रुप मैनेजमेंट ने कंपोनेंट मैनेजमेंट को दी है कि उन्होंने ग्रुपिंग अकाउंट्स की किस तरीके से करनी है, अंडरस्टैंड एंड टेस्ट ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स को टेस्ट करें, अंडरस्टैंड करें, फिर क्या करें, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट्स, ये चेक, इसका क्या मतलब है भला, चेक करें सारे के सारे कंपोनेंट ऐड हो गया कि नहीं। हमारा सबसे बड़ा काम पता है क्या होता है बैंक में, खास तौर पे ये इंश्योर करते हैं हम कि जितनी भी ब्रांचेस थी सबकी इंफॉर्मेशन आगे के नहीं आई, किसी की राय तो नहीं गई, कंप्लीटनेस से ये मुराद है। और एक्यूरेसी से क्या मुराद है कि जो हेड ऑफिस ने हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर्स डाली हैं ब्रांच में भी वही है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हो रहा हो और हेड ऑफिस में जो फिगर्स ऐड अप हुई हैं उनमें फिगर्स और आ रही हो। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस का मतलब समझ आ गया ना, कंसोलिडेशन में ये देखना चाहिए कि नहीं। आगे एवेल्युएट करें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट एवेल्युएट करें। अच्छा यहाँ पे ना आपका अकाउंटिंग का नॉलेज है क्योंकि मुझे अकाउंटिंग मैंने पहले बताया नहीं आते, तो इसमें एडजस्टमेंट किस तरह की हो सकती है, चार पांच एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, नीचे फाइव कंपोनेंट पे फाइफो हो, ग्रुप में वेटेड एवरेज हो, पॉसिबल है, तो हमने क्या करना है फाइफो को वेटेड एवरेज ऐड कर दें कि किसी एक को दूसरे के मुताबिक कन्वर्ट करना होता है, किसको किसके साथ कन्वर्ट करना है, कंपोनेंट की फिगर्स को चेंज करना होता है ग्रुप के मुताबिक, क्योंकि कल जब हम पढ़े होंगे ना कंपोनेंट तो उसमें भी मैं ये आपको शेयर करूंगा कि हो सकता है ग्रुप ऑडिटर के ऊपर एथिक कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट हो, कंपोनेंट ऑडिटर के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट अप्लाई हो रहा हो क्योंकि वो फ्रांस में रहता है, वो यूएसए में रहता है, तो जब हम उससे काम करवा रहे हैं तो हमने क्या इंश्योर करना है, हमारे ऊपर जो रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है ना वो उसको भी फॉलो करें, ठीक है, तो डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती है उनको हमने सिमेट्री में लाना है, डिफरेंट ईयर एंड हो सकता है उसको एडजस्ट करना। आपने काउंटिंग में कहीं इस तरह की कोई किसी स्टैंडर्ड में टॉपिक में पढ़ा कि अगर डिफरेंट ईयर एंड हो तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है कंसोलिडेशन में, ये सिखाया गया आपको, हाँ सब्सिडी कुछ इस तरह की चीजें थी, नहीं आपने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन नहीं किए, उसमें मुझे याद है एक दो इस तरह के क्वेश्चन होते थे जो मैंने छोड़ दिए थे जब उसमें काउंटिंग डिफरेंट होता था, कुछ प्रॉब्लम होते, तो अच्छा वो एडजस्टमेंट करेंगे हम, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन या इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस है अनरियलाइज्ड गेन, एक दूसरे के साथ आपको पता है इंट्रा वो कैंसिल करना होता है उनको, ये सारी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, तो आपको अगर कोई इस तरह की एडजस्टमेंट दे दे एग्जाम में और आपसे कहे बताओ इसको कैसे वेरीफाई करोगे तो बता देंगे, अगर आप कहे जी एक जगह के बैलेंस, एक का बैलेंस है 300 मिलियन सब्सिडी वन ने टू से रिसीव करना है 300, सब्सिडी टू के पेएबल में 50 मिलियन है, क्या करेंगे, तो कुछ प्रोसीजर बता देंगे, हाँ रिकंसिलिएशन वगैरह और ट्रांजैक्शन, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड ने पढ़ा ऐसे 560, सब्सिक्वेंट इवेंट कहाँ से कहाँ तक हमने अकाउंट फॉर वो करने होते हैं, बैलेंस शीट डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये मुझे ये बताइए यहाँ पे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट आ सकता है, कहाँ से कहाँ तक
डेट ऑफ फाइनेंशियल, डेट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके कहां तक, दो ऑप्शन बता रहा हूं, डेट ऑफ कंपोनेंट आइटम्स रिपोर्ट तक या के डेट ऑफ ग्रुप आइटम्स रिपोर्ट तक। भाई मैं कंपोनेंट ए का ऑर्डर हूं, मैंने 20 मार्च को रिपोर्ट दे दी, ठीक है, ग्रुप रिपोर्ट 30 मार्च को साइन हुई, मैंने कहां तक देखने हैं सबसिक्वेंट इवेंट्स, 30 तक, क्योंकि ग्रुप, अब मैंने अपनी जो सब्सिडियरी 2 की रिपोर्ट देनी है ना, उसमें 20 तक का सबसिक्वेंट इवेंट आएगा, लेकिन रूल के हिसाब से जो ग्रुप वाले ने देखना है उसने 30 तक देखना है, तो ग्रुप वाला पता क्या करेगा, आपको याद है मैंने एक्टिव और पैसिव रिव्यू बताया था सब्सिक्वेंट इवेंट में, तो ग्रुप वाला क्या कहता है, ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट मुझे कंपोनेंट ऑडिटर को कहता है 20 तारीख यानी जो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट है ना, तब तक तो तुम्हारी एक्टिव रिव्यू की जिम्मेदारी है, तुमने काम किया ही किया होगा, उसके बाद 30 तारीख तक तुम सब्सिक्वेंट इवेंट कोई परफॉर्म ना करो प्रोसीजर, लेकिन अगर तुम्हारी नजर से कोई गुजर जाए ना तो हमें बता देना, यानी ग्रुप में उन्होंने अपनी ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखना है, लेकिन कंपोनेंट ऑडिटर की जिम्मेदारी तो उसकी अपनी रिपोर्ट तक की है, तो अगले 10 दिन के लिए एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उनको बता दूंगा, ये सब्सिक्वेंट इवेंट समझ आ गया। yes. आगे चलते हैं रिपोर्टिंग, हाँ ये अहम है, ये मुझे जो सबसे पसंद आया ना कंसर्ट पूरे स्टैंडर्ड में वो ये कहता है, आप ग्रुप ऑडिटर हैं, आपने रिपोर्ट देनी है, कैसा हो सकता है किसी कंपोनेंट की वजह से आपकी ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाए, अच्छा बताइए कंपोनेंट ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, क्या देखेगा इफेक्ट, शाबाश, सबसे अहम कंसेप्ट यह है, ग्रुप ऑडिटर ने जो टाइप ऑफ ओपिनियन या इफेक्ट ऑन रिपोर्ट डिसाइड करना है अपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के डिसाइड करना है, अपना मटीरियलिटी लेवल इसका अलग डिसाइड हुआ हुआ है, उसको सामने रख के डिसाइड करना है। अच्छा मुझे बताइए, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैंने नोट्स में भी ऐड किए हैं, जबानी कला में 3-4 आपके साथ शेयर करता हूं, कंपोनेंट ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, ग्रुप ऑडिटर ने देखा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इमटेरियल था, कौन सा ओपिनियन देगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपोनेंट पे क्वालिफाइड ओपिनियन है ग्रुप पे अनमॉडिफाइड, कैसा पॉसिबल है कंपोनेंट पे एडवर्स ओपिनियन है उसकी वजह से ग्रुप में क्वालिफाइड ओपिनियन हो एडवर्स ना हो, हो सकता है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, कैसा पॉसिबल है कंपोनेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है उसकी वजह से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है, कंपोनेंट पे अनमॉडिफाइड है उसकी वजह से ग्रुप पे क्वालिफाइड ओपिनियन है। यूएसए में आपको पता है लाइफो मेथड भी अलाउड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, हाँ आप पहुंचे, ये तो एक एग्जांपल दी ना, हो सकता है कोई ऐसी रेगुलेशन है जैसे वो आपका लेटेस्ट कौन सा, वो जो बैंकों पे IFRS अप्लाई होता है विदहोल्ड किया हुआ है पाकिस्तान में, IFRS 9 है वो, के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला ना, वो हो सकता है यूएसए में उन्होंने अप्लाई कर दिया हो, अब यहां से कंपोनेंट की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी उस पर तो IFRS 9 अप्लाई नहीं हुआ होगा, जो भी है IFRS का नंबर अप्लाई नहीं हुआ होगा ना, तो यहाँ की ऑडिटर ने लोकल लॉज के वाले से क्या ओपिनियन दिया होगा, लेकिन जब उधर ग्रुप में जाएगी उस बंदे ने अपने वाले से देखना कि पाकिस्तान के वाले से ग्रुप के वाले से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, वो क्या ओपिनियन देगा वाली, तो ये फर्क जहन में रखिएगा, हमने कंपोनेंट वाले ने कंपोनेंट के लिहाज से ओपिनियन देना है कंपोनेंट मटेरियलिटी के लिहाज से, ग्रुप वाले ने ग्रुप के लिहाज से ओपिनियन, कम्युनिकेशन होगी। अच्छा कम्युनिकेशन है 4 तरह की होती है ISA 600 में, कुछ उन्होंने बता सकता है कौन कौन सी तरह की होगी, कौन कौन सी तरह की होगी, यानी कम्युनिकेशन से मुराद लोग एक दूसरे को खतों किताबें कर रहे बता रहे होंगे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, ग्रुप ऑडिटर की कंपोनेंट ऑडिटर के साथ एक, और ग्रुप ऑडिटर की ग्रुपिंग
मैनेजमेंट के साथ दो चले हाँ तकरीबन ठीक है भाई को दीजिए। पहले सुन लें कम्युनिकेशन ग्रुप ऑडिटर की एक कम्युनिकेशन नंबर वन ग्रुप ऑडिटर की कंपोनेंट ऑडिटर से, कम्युनिकेशन नंबर टू कंपोनेंट ऑडिटर की ग्रुप ऑडिटर के साथ। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट को कहा भाई ये काम करो, ये ग्रुप से मटीरियलिटी लेवल हमने बताया, वो काम करके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की लिस्ट कौन भेजेगा? कंपोनेंट ऑडिटर हमें, ये कंपोनेंट ऑडिटर से कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा एक कम्युनिकेशन ग्रुप ऑडिटर टू कंपोनेंट ऑडिटर है, एक कंपोनेंट है तो ग्रुप, और दूसरा एक है ग्रुप ऑडिटर टू ग्रुप मैनेजमेंट एंड दो चार्ज ऑफ गवर्नेंस, और मैनेजमेंट एंड दो चार्ज ऑफ गवर्नेंस टू ग्रुप ऑडिटर। एग्जाम क्वेश्चन में आपने ध्यान से ये पढ़ लेना है कि वो कौन सी कम्युनिकेशन पूछ रहा है, किसको किसके साथ की जा रही है, ठीक है? ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर को जा रही है कि कंपोनेंट से ग्रुप ऑडिटर को, ये ना पूछे कोई सीधा आप उल्टा बता दे जवाब ये जर। अच्छा ग्रुप ऑडिटर टू कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर टू ग्रुप ऑडिटर, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, क्यों आज नहीं पढ़ा रहा? ये कल का टॉपिक है कंपोनेंट ऑडिटर, हाँ छोटा टॉपिक है कल जल्दी हो जाएगा। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या ऑडिटर कंपोनेंट ग्रुप ऑडिटर ग्रुप मैनेजमेंट के साथ कुछ मैटर कम्युनिकेट करेगा, ग्रुप दो चार विकमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा? बिल्कुल, ये सिंपल है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो जाए बताएगा। अच्छा ये डेफिशिएंसी किसने आइडेंटिफाई की होगी, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी ग्रुप ऑडिटर ने या कंपोनेंट ऑडिटर ने, दोनों में से। अच्छा कंपोनेंट ऑडिटर के मसले मसाइल ग्रुप एंगेजमेंट, सॉरी कंपोनेंट मैनेजमेंट के मसले मसाइल ग्रुप मैनेजमेंट को बताने होते हैं कि नहीं? हाँ बताने होते हैं, शाबाश। तो ये अगर इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं वो बताएंगे, फ्रॉड वगैरह कंपोनेंट में चल रहा है सामने आया बता देंगे, और भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो कंपोनेंट से रिलेटेड वो ग्रुप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, और ग्रुप की दो चार भी गवर्नेंस को टाइप ऑफ वर्क जो परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये ब्रॉड लेवल का टाइप ऑफ वर्क बताते हैं, डिटेल वर्क हम नहीं बताते, क्या अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करने जा, ये तो आपको पता है ये रूटीन की कंपनी, ये आपको याद होगा इंटरनल ऑडिटर वाले में भी पढ़ा था हमने कि अगर उसके वर्क को भी यूज़ करें ना उसे बताते हैं भाई उसको इन्वॉल्व करने लगे हैं, क्या कौन सा काम उससे करवाएंगे, उससे परमिशन। कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर्स वर्क, अगर अच्छा ये सुन लें कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर्स वर्क, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कि कंपोनेंट ऑडिटर दो तरह का होता है। आप सोच रहे होंगे यार ये कंपोनेंट ऑडिटर तो हमने पॉइंट किया था, हम अपने बंदे के क्वालिटी वर्क डायरेक्टर को शिकायत लगा रहे हैं, नहीं ये हाँ वो ये जो लॉ वाला था। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ, अगर किसी किस्म की स्कोप लिमिटेशन होती है, फ्रॉड है सस्पेक्टेड फ्रॉड, ये वो वाला फ्रॉड है जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है? अगर फ्रॉड ऐसा है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो ना या इमटीरियल हो, वो हम सिर्फ मैनेजमेंट को बताते हैं डायरेक्टर्स को नहीं बताते। जो बड़ा फ्रॉड हो मटेरियल या जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है वो दो चार वीक बंदों से कम्युनिकेट किया जाता है। हाँ कुछ पॉइंट एट द, क्या दो चार वीक गवर्नेंस को कम्युनिकेशन सिर्फ एक किसी सर्टन टाइम पे हो सकती है? थ्रू आउट द ऑडिट हो सकती है, और ये पूरी ऑडिट का सूल है, सिर्फ ग्रुप ऑडिट का नहीं है, ठीक है? इसमें आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट में एंड भी कर सकते हैं। जाहिर है अगर कोई फ्रॉड वगैरह है तो हम एंड पे होने का इंतजार थोड़ी करेंगे, वो तो हम फौरन बता देंगे इनको भाई आपके नहीं, रिक्वायर्ड है टाइमली बेसिस, वो कहता है टाइम। अब टाइमली बेसिस कौन सा मैटर कब टाइमली बेसिस होगा, ये हमारी जजमेंट होती है, और ये जाहिर है मसले पे डिपेंड करता है। कुछ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस फौरन बताना जरूरी होता है, कुछ बाद में भी बताएं तो कोई इशू नहीं। डॉक्यूमेंट्स करेंगे, बिल्कुल सिंपल, हर काम जो हमने किया उसको डॉक्यूमेंट करना है, ये तो सिंपल रूल है ना। एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट क्या मतलब, कितने कंपोनेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट, कौन सा फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट कौन सा रिस्क बेसिस पे, ये बताएंगे। टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड ऑन कंपोनेंट, जल्दी से बताइए क्या फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट है तो क्या करना है, ऑडिट यूजिंग कंपोनेंट मटेरियलिटी,
और रिस्क बेसिस पे सिग्निफिकेंट है, तो तीन में से कुछ भी कर सकते हैं, ऑडिट ऑफ कंपोनेंट, ऑडिट ऑफ एरिया या स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। ये कल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर से क्या मुराद है। और फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, जो भी एक दूसरे के साथ चिट्ठी लिख ले रहे हैं, खतों किताबत कर रहे हैं, उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। अहम चीज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। अगर ऑलरेडी ऑडिट नहीं किया हुआ सब्जेक्ट टू ऑडिट, नहीं हमारे कहने पे ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तो बताइए हमें उसके साथ साथ काम करना चाहिए कि जब वो काम कर ले तब उसके काम को रिव्यू करें। टेक्निकली बताइए सिर्फ रिव्यू होना चाहिए कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क का कि पहले डायरेक्शन होनी चाहिए, बाद में रिव्यू भी होना चाहिए? तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब यही है कि हमने कंपोनेंटर से फोन करके पूछेगा क्या कर रहे हो उस वक्त, वो कहेगा रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं, हम कहेंगे हमें इन्वॉल्व करो, यानी हमारे साथ मिलके बताओ किस एरिया में रिस्क है। फिर हम पूछेंगे क्या कर रहे हो, सब सेंटी पोस्ट परफॉर्म करने लगा हूं, हम कहेंगे हमें इन्वॉल्व करो, हम कहेंगे अच्छा, वो कहेगा अच्छा आके काम कर लो, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां पर इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि तुम हमें बताओ क्या काम करने लगे हो, काम तुम ही करोगे, हमें बता, अगर उसमें कमी पेशी करनी हुई तो हम तुम्हें बता देंगे। तो ये इन्वॉल्वमेंट कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करें। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये आपने पढ़ने ये थोड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, थोड़ा लेंथी भी है, आपने लाजमी पढ़ना है। कल इंशाल्लाह आधे घंटे में इसको ख़त्म करके पास पेपर की तरफ चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।